अब भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के इतने बुरे दिन आ गए कि वो कांग्रेस के फूके हुए कारतूसों के सहारे राहुल गांधी पर हमला बोलेंगे। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बहुत ही शर्मनाक टूल किट जारी कर दिया है, जिसके सहारे कांग्रेस के फूके हुए कारतूसों, कांग्रेस के वो प्रवक्ताओं जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, आप थोड़ी सी पड़ताल करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, ये पूर्व नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं और उनके सहारे अब राहुल गांधी पर हमला बोला जा रहा है। मुद्दा क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री ये बयान जारी करते हैं और वो बयान क्या होता है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो राम मंदिर को क्या वो अस्पताल में बदल देंगे। बात यहां से शुरू होती है और उसके बाद कांग्रेस का एक फूका हुआ कारतूस जिसका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो एक जमाने में प्रियंका गांधी वाड्रा का सलाहकार हुआ करता था और अब पिछले करीब 2 सालों से कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसकी तरफ से एक बयान आता है। और वो बयान क्या है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे और पूरी की पूरी गोदी मीडिया दोस्तों उसे अपने प्राइम टाइम में जगह देती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, राम मंदिर बन चुका है, लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं, बावजूद उसके गोदी मीडिया आपको यह संदेश दे रहा है कि राहुल गांधी ये सब निरस्त कर देंगे, ये सब खत्म कर देंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गोदी मीडिया आपको झूठ बोल रहा है, आपको ये बकवास बता रहा है, तो कम से कम हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे शॉकिंग, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये टूल किट तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी हुआ है ना। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो नेता यह कह रहा है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही राम मंदिर को खत्म कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाएगा, अरे भाई राम मंदिर बन चुका है, कोई चाहकर भी उसके वजूद को खत्म नहीं कर सकता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इन चेहरों पर गौर कीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, राधिका खेरा, गौरव बल्लभ, रोहन गुप्ता, अव्वल दर्जे के डरपोक, कायर और अवसरवादी नेता, ये जो बयान दे रहे हैं मीडिया उसे सच के तौर पर बता रहा है, जबकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो एक टूल किट जारी हो गया है जिसके अंतर्गत इनके अनर्गल बयानों को सत्य के तौर पर पेश किया जा रहा है। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री के उस बयान के साथ जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर को अस्पताल में बदल दिया जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? और जैसे ये बयान आता है, कांग्रेस का एक फूका हुआ कारतूस से कहता है कि राहुल गांधी ने मुझे बताया था कि अगर वो सत्ता में आ गए तो राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा। क्या गोदी मीडिया आपको यह बता रहा है कि फैसले को कैसे पलटा जाएगा? क्या हमें उस पर अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मगर देखिए दोस्तों, किस तरह का झूठ गोदी मीडिया चला रहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ, नव भारत, राहुल गांधी पर फूके हुए कारतूस का बड़ा दावा, बोले राम मंदिर के फैसले पर राहुल ने बैठक की थी। राहुल गांधी को लेकर प्रमोद कृष्णन का बड़ा दावा, राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात कही थी। राम मंदिर पर फैसला पलट देंगे राहुल गांधी, फूके हुए कारतूस ने लगाया बड़ा आरोप। फिर देखिए, इसी मुद्दे पर स्मृति ईरानी बयान भी दे देती हैं। केंद्रीय मंत्री व अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि आज राहुल गांधी का एक घिनौना सच सामने आ गया है। कांग्रेस नेता का ही आरोप है कि राहुल गांधी व गांधी परिवार की यह मंशा है कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो वे राम मंदिर के निर्णय को पलट देंगे। सुबह से विषय चल रहा है लेकिन गांधी परिवार ने एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। फिर देखिए रिपब्लिक भारत, राहुल गांधी, क्या आपकी सरकार बन गई तो आप राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे? कांग्रेस के पूर्व नेता फूके हुए कारतूस जी। फिर देखिए साहब, जी न्यूज, पूर्व कांग्रेस नेता माननीय फूके हुए कारतूस का बड़ा दावा,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा राम मंदिर के फैसले को पलटने की कही थी बात, सत्ता पे आने पर फैसला बदलने की बात कही थी। न्यूज 18 का एक और शो, तो आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर यही किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस फूके हुए कारतूस की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 2-3 सालों से यानी कि कांग्रेस से निकाले जाने से पहले से ही यह व्यक्ति लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है। इनफैक्ट इसने ब्राह्मणवाद की दुहाई देते हुए आरक्षण को खत्म करने की बात की थी। मैं भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में ऐसे लोगों को तरजीह क्यों दी जाती है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। सुनिए ये फूका हुआ कारतूस, ये सो कॉल्ड आचार्य क्या कह रहा था। जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिटीना पिटी के शौर्य ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा टेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, अगर हाथ खड़े करके मुझे, तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। अब गोदी मीडिया से सवाल, क्या वो इस नेता से ये सवाल करेंगे जो व्यक्ति खुलेआम आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है? मुद्दा इस सोकॉल्ड आचार्य का नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह है कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी पर निशाना साधो, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। अब ये राधिका खेरा, कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता, इनका यह दावा है कि साहब चूंकि मैं राम मंदिर गई थी इसलिए पार्टी के अंदर मेरा विरोध शुरू हो गया था। अब इनकी दिक्कत छत्तीसगढ़ में पार्टी के एक नेता से थी, वहां तक बात समझ आती है, मगर अब इस मुद्दे पर इन्होंने सनातन धर्म, राम मंदिर का प्रवेश करा दिया है, बिल्कुल उसी अंदाज में जो बात गौरव वल्लभ ने कही थी, रोहन गुप्ता ने कही थी, ये सब सनातन धर्म राम की बात करते हैं। मगर राधिका खेरा और गोदी मीडिया जो इन जैसे नेताओं को तरजीह दे रही है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि चरणजीत सिंह चन्नी राम मंदिर गए थे और ये जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं, दीपेंदर हुड्डा ये भी राम मंदिर गए थे, अखिलेश प्रताप सिंह, सुप्रिया श्वेत, पंखुड़ी पाठक, ये सब राम मंदिर गए थे। बताइए, विक्रमादित्य सिंह मंडी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो भी राम मंदिर में खड़े हुए। बड़ा प्रश्न दोस्तों, अगर तो वाकई ये नेता राम मंदिर ना गए होते तो आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकते थे कि क्या आपके पार्टी के अंदर राम को लेकर विरोध है, राम मंदिर को लेकर विरोध है। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था वो नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो जानते थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को सिर्फ प्रधानमंत्री के महिमा मंडन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। याद कीजिए, राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी के इसी प्रहार का नतीजा था कि आखिरकार कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंच गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया था? जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया था, जबकि सांवैधानिक पद की निगाह से वो प्रधानमंत्री से ऊपर है, फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। मगर राहुल गांधी ने जो लगातार हमला बोला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर कि किस तरह से उन्हें नहीं बुलाया गया था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, नतीजा यह हुआ कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राम मंदिर पहुंच गई उनके दर्शन करने। ये सब क्या बतला रहा है? ये सब ये बतला रहा है कि जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं वो सही है। अब राम के सहारे एक और झूठ एक व्यक्ति बोल रहा है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, जो आरक्षण का विरोध कर रहा है। सीधा सा सवाल, स्मृति ईरानी एक ऐसे व्यक्ति के बयान पर क्यों जोर दे रही हैं, उसे क्यों तरजीह दे रही हैं जो खुलेआम आरक्षण का विरोध कर रहा है? फिर से सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा था।
है। जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दीना पिद्दी के शोर में ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रीएम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत अगर हाथ खड़े करके मुझे, तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिवाद आरक्षण से मुक्त किया जाए। मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ऐसे फूके हुए कारतूसों को क्या जगह देनी। बिल्कुल सही है, नहीं देनी चाहिए। मुद्दा ये व्यक्ति नहीं है, मुद्दा वो टूल किट है जो आपने तमाम गोदी मीडिया में देखा, जिसे बाकायदा प्रमाण के साथ मैंने आपके सामने पेश किया है। मुद्दा है स्मृति ईरानी का ऐसे नेताओं को तरजीह देना। ये बता रहा है ये बुरी तरह से बौखला गए हैं, ये डेस्परेट हैं। तीन चरण के मतदान होने को आए और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई जिस तरह से वोटिंग होनी चाहिए थी वैसा हुआ नहीं, उनके समर्थक को जिस तरह से सामने आना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है। अब इस बौखलाहट में प्रधानमंत्री अनर्गल बातें करते हैं, जहरीली बातें करते हैं, लगातार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव आयोग सोया हुआ है, वो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, वो पूरी तरह से नाकाम नाकारा बना हुआ है। और अब झूठ का सहारा, चाहे राधिका खेरा के जरिए हो, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन के जरिए हो, चाहे गौरव बल्लभ के जरिए हो। हकीकत यह दोस्तों कि ये तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं, उनके पास ऐसे कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मौजूद है और ऐसा हो ही नहीं सकता। वरना मुझे बताइए ना, विक्रमादित्य जो हैं वो राम मंदिर जाते, चरणजीत सिंह चन्नी वो राम मंदिर जाते, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह, सुप्रिया सुनीत, ये तमाम लोग राम मंदिर गए और उनमें से कईयों को लोकसभा टिकट मिला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस्तेमाल कीजिए, ये आपका है। कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान, सामान्य सोच, इसे हम न्याय त्यागे। अंधभक्ति का यही दुष्परिणाम होता है कि हम सोचने समझने की क्षमता को भूल जाते हैं। अगर आप तर्कों पर रहेंगे तो इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं बहेंगे। मैंने पिछले 10 मिनट में भाजपा के इस पूरे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। कल लगातार गोदी मीडिया ने एक एक दो दो घंटे की बहस की, मगर मैंने सिर्फ 10 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, बता दिया कि यह सरासर झूठ है, बता दिया कि इसके पीछे एक टूल किट है जिसके जरिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो मुद्दे पर लड़ाई लड़िए ना। झूठ का सहारा क्यों लेना और बार बार लेना, लगातार लेना, क्या वजह है? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि हम ये जंग तभी जीत सकते हैं जब हम माहौल को जहरीला करें, हिंदू मुस्लिम करें, मुसलमानों को गालियां दें? ऐसा क्यों लगता है प्रधानमंत्री को? ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है? क्योंकि मुद्दों की मार से भाजपा हिल गई है, बौखला गई है, हिली हुई है एकदम। कांग्रेस लगातार संविधान के मुद्दे पर हमला बोल रहा है, और क्यों ना करे? आप ही के पार्टी के नेता बार बार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना के एक और सांसद आपके जो हैं नेता जो हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर आप पर हमला बोल रहे हैं तो गलत बिल्कुल नहीं है। और आपकी बौखलाहट यह है कि उन तमाम फूके हुए कारतूसों का आपको सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, विच इज सच अ बिग ट्रेजेडी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज प्रोबेबली द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी की यह गत, यह हालत हो गई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।